दोस्तों, इस अजीब फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सुनसान सड़क पर एक कार जा रही होती है, तभी कार के सामने एक लड़की जंप मार देती है, जिससे उस कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर उस लड़की को उस कार की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, फिल्म आगे बढ़ाने से पहले ये जान लीजिए कि ये कहानी आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी कर सकती है, क्योंकि इस कहानी में दिखाए गए कुछ दृश्य कुछ ज्यादा ही घिनौने हैं। अब इस फिल्म की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम जस्टिन है। वह अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। जस्टिन और उसका पूरा परिवार वेजिटेरियन है। तभी जस्टिन के खाने में एक नॉन वेज का टुकड़ा आ जाता है, जिसके बाद जस्टिन की माँ उससे वह खाना छीन लेती है और रेस्टोरेंट वाले को कम्प्लेन कर देती है। वह जस्टिन से कहती है, तुम्हें नॉन वेज से एलर्जी है, तुम्हें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब अगली सीन में दिखाया जाता है कि जस्टिन के मॉम और डैड उसका एडमिशन एक कॉलेज में करवाने जाते हैं, जहाँ उसकी बहन अलेक्सिया ऑलरेडी पढ़ती थी। जब जस्टिन पहले दिन अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके कॉलेज के सारे सीनियर्स उसके कमरे में आ जाते हैं और जस्टिन के सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगते हैं। उस दिन सभी नए स्टूडेंट्स की रैगिंग हो रही थी। उसके बाद सभी को एक कैमरे में लेकर जाते हैं और वहाँ वो लोग अजीबोगरीब पार्टी करते हैं, जिनमें कुछ लोग नंगे होकर डांस कर रहे हैं और कहीं दो लड़कियाँ आपस में किस कर रही होती है। ये देखकर जस्टिन को काफी मजा आता है। फिर वो अपनी बहन से मिलती है और वह दोनों खूब मजे करते हैं, जिसके बाद उसकी बहन एलेक्सिया जस्टिन को एक कमरे में लेकर जाती है। वहाँ बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई है, वह दोनों उसको देखते हैं। अगले दिन सारे सीनियर जूनियर्स को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। उसके बाद वह लोग एक घोड़े की बलि चढ़ा देते हैं और उसका खून सभी के ऊपर फेंक देते हैं। सारे लोग अब खून से भीग चुके थे। अब एक सीनियर कहता है, यह हमारे कॉलेज का नियम है और इसी खून के साथ आप लोगों की फोटोशूट भी होने वाली है। इसके बाद जस्टिन ब्लड को अपनी बॉडी पर देखकर बहुत ऑकवर्ड फील करती है। जस्टिन की बहन वहाँ खड़ी होकर सिर्फ तमाशा देख रही थी, क्योंकि इतने सालों से यहाँ रहने के बाद वह काफी बदल चुकी है। उसे भी बाकियों की तरह ये सब करने में काफी मजा आता है। इसके बाद सभी नए स्टूडेंट्स को खरगोश का कच्चा मांस खाने को कहते हैं, लेकिन जब जस्टिन की बारी आती है तो वह कहती है, मैं वेजिटेरियन हूँ। फिर एक सीनियर जस्टिन के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन फिर वो कहती है, मैं एलेक्सिया की बहन हूँ। फिर वो एलेक्सिया को बुलाते और उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बहन है। इस पर एलेक्सिया कहती है, हाँ, लेकिन मैं इसके जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, और वो अपने हाथों से जबरदस्ती जस्टिन को खरगोश का मांस खिलाती है, जिसे खाने के बाद जस्टिन उल्टी कर देती है। वहाँ पर खड़े सारे स्टूडेंट्स जस्टिन को देख रहे होते हैं। उसी रात जब जस्टिन सो रही थी, तभी वह देखती है उसके सारे बॉडी पर एक अजीब सा एलर्जी हो गया है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी मांस नहीं खाया था, और इसके बाद उसे बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है, जिस वजह से वह सारी रात सो नहीं पाती। सुबह होते ही जस्टिन एक डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देकर नॉनवेज से दूर रहने को कहती है। जस्टिन ये बात किसी को नहीं बताती, इनफैक्ट अपने दोस्त एड्रिन को भी नहीं। अगले दिन जस्टिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर जाती है और वह उसे नॉनवेज खिलवाने को कहती है। उसे पता चलता है जस्टिन को अब नॉनवेज की लत लग चुकी है, जिसके बाद कभी वह मेस रूम में नॉनवेज का टुकड़ा चुरा कर खाती है, तो कभी आधी रात को फ्रिज से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगती है। इस कारण से वह अपने किसी काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी, इनफैक्ट अपनी पढ़ाई पर भी नहीं। एड्रिन उसे इस हालत में देखकर काफी परेशान है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जस्टिन को मांस नहीं मिलने की वजह से वह पागलपन और टेंशन में अपने ही बाल को खा जाती है। फिर कुछ समय बाद उसे याद आता है कि उसने अपने ही बाल निगल लिए हैं, जिसके बाद वह अपने बाल को खींचकर अपने मुंह से निकालती है। अब वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, उसका दिमाग सही से काम करना बंद कर चुका था। फिर वो अपनी सिस्टर एलेक्सिया के साथ छत पर बैठी होती है, तभी वो एलेक्सिया को सारी बातें बताती है, जिस पर वो कहती है, सब ठीक हो जाएगा, जिसके बाद एलेक्सिया जस्टिन को खड़े होकर पेशाब करना सिखाती है। ऐसे करने में दोनों को काफी मजा आ रहा था। फिर दोनों काफी बचकानी हरकतें करती है। फिर जब एलेक्सिया रेजर से शेविंग कर रही होती है, तभी जस्टिन उसे एक जोरदार लात मारती है, जिससे एलेक्सिया की उंगली कट जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब एलेक्सिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जस्टिन उसकी ही कटी हुई उंगली को खा रही है। वह काफी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है। तभी उन दोनों के मॉम डैड भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते कि उसकी उंगली को जस्टिन ने ही खाया है। बाद में एलेक्सिया जस्टिन को एक सड़क पर ले जाती है और हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जिस लड़की ने कार के सामने जंप किया था, वह और कोई नहीं बल्कि एलेक्सिया ही थी। इसके बाद वो उसी तरह एक और कार के सामने जंप करती है, जिससे कि उस कार वाले का एक्सीडेंट हो जाता है और कार में बैठे दोनों लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये दोनों लड़की आखिर करना क्या चाहती है, कमेंट में जरूर बता देना। लगे हाथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाद में एलेक्सिया उस मरे हुए इंसान का गोश्त खाने लगती है। इससे ये साफ हो चुका था कि एलेक्सिया भी जस्टिन की तरह कैनिबल थी। एलेक्सिया को ऐसा करते हुए देख जस्टिन उस इंसान के लिए काफी बुरा फील करती है और एलेक्सिया से कहती है, ये गलत है, जिस पर एलेक्सिया बताती है, ऐसा करने से हमारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लोग इसे एक्सीडेंट मानकर भूल जाएंगे, तुम्हें मुझसे ये सीखना चाहिए।
इसके बाद जस्टिन एड्रिन के साथ बात कर रही होती है, तभी उसे एड्रिन को भी खाने का मन करने लगता है। फिर जब रात होती है और जस्टिन को कोई जुगाड़ नहीं मिलता तो वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और फिर वहाँ से उठकर बाहर जाती है। तभी कॉलेज के सीनियर्स जस्टिन के ऊपर नीला रंग डाल देते हैं और एक पीले रंग से भीगे हुए लड़की को एक कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को पीला और नीला मिक्स करके हरा रंग बनाना है, तभी बाहर आने को मिलेगा। जस्टिन और वो लड़का फिजिकल होने की कोशिश करते हैं। फिर वो जस्टिन को किस करता है, तभी जस्टिन उसके होठों को काट कर खा जाती है। फिर वो लड़का रूम से चिल्लाकर बाहर भागता है, तो जस्टिन की हरकत देखकर सभी लोग उससे डरने लगते हैं। ये देखकर एड्रिन समझ जाता है कि जस्टिन आदमखोर है, लेकिन इसके बाद भी एड्रिन जस्टिन को अपने कमरे में ले जाता है, ये जानते हुए भी कि उसे जस्टिन से खतरा है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अभी जस्टिन को काफी पसंद करने लगा था। फिर वो दोनों फिजिकल होते हैं। उसी दौरान जस्टिन के अंदर का राक्षस जाग उठता है और वो एड्रिन को बार बार खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और खुद से परेशान होकर अपने ही हाथों को काट खाने लगती है। ये देखकर एड्रिन काफी दंग रह जाता है। फिर यहाँ से शुरू होता है फिल्म का हॉन्टेड और दिल दहला देने वाला क्लाइमैक्स। जब जस्टिन एक पार्टी में जाती है तो वो वहाँ शराब पीकर पूरी तरह पागलों वाली हरकतें करती है। ऐसे में एलेक्सिया उसका वीडियो बनाकर कॉलेज ग्रुप में फॉरवर्ड करती है। अगले दिन जब एड्रिन जस्टिन को उसके पार्टी वाले वीडियोस दिखाता है तो वो गुस्से में जाकर एलेक्सिया को पीटने लगती है, जिससे उन दोनों में एक अजीबोगरीब लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। जब जस्टिन के गाल का टुकड़ा एलेक्सिया के मुंह में जाता है तो दोनों का होश वापस आ जाता है। अगली सुबह जब जस्टिन की आंखें खुलती है तो वह खुद को एड्रिन के बगल में सोए हुए पाती है। वह उसे अपने करीब सोया हुआ देखकर काफी खुश होती है। फिर वह एड्रिन को प्यार करने लगती है, तभी वह देखती है कि एड्रिन के पैर से काफी खून आ रहा है। उसे लगता है उसी ने कल रात एड्रिन के पैर को खा लिया, जिसके बारे में सोचकर जस्टिन बहुत डर जाती है और एड्रिन को गले लगाकर बहुत रोती है। लेकिन वो रूम के दूसरे कोने में देखती है कि वह एलेक्सिया बैठकर वीडियो गेम खेल रही होती है और उसके मुंह खून से लाल होते हैं। अब वह समझ जाती है कि एड्रिन के पैर उसने नहीं बल्कि एलेक्सिया ने खाए हैं। आखिर में एलेक्सिया को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जस्टिन अपने घर चली जाती है। फिर जस्टिन अपने डैडी के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और वो कहते हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम दोनों अकेली ऐसी बीमारी से पीड़ित नहीं हो, यह बीमारी हमारे खानदान में काफी पहले से है और इस बीमारी से मैं और तुम्हारी माँ भी पीड़ित है, इसलिए आज तक हम दोनों ने तुम लोगों को नॉनवेज से दूर रखा था। जिसके बाद वो अपनी शर्ट को उतारता है और जस्टिन को दिखाता है कि उसकी बॉडी से बहुत से गोश्त के टुकड़े गायब है, जिसे उसकी पत्नी यानी कि जस्टिन के माँ ने खाया था। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, खून पीने वाली बीवियां तो सभी के घरों में पाई जाती है, लेकिन गोश्त खाने वाली बीवी आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, कैसा लगता आपको? अगर आपको भी ये बीमारी होती हमें कमेंट में जरूर बता देना और ऐसे ही धमाकेदार फिल्मों को देखने के लिए वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।